आगामी वित्त वर्ष 2019-20 में पंचायतों में किए जाने वाले कार्यों के लिए कार्य योजना का प्लान तैयार करने के लिए प्रदेश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत नौणी व शमरोड पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में खंड विकास अधिकारी विभिन्न 29 विभागों में से अधिकतर विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं की रूपरेखा ग्रामवासियों के समक्ष रखी गई, जिससे आने वाले दिनों में ग्राम सभाओं के जरिए आम आदमी तक पहुंचाया जाएगा। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि आने वाले समय में पंचायतों में ही ग्राम सभाओं के दौरान सभी विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाएं तैयार की जाएंगी और जिन योजनाओं को ग्राम सभाओं में तैयार किया जाएगा उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि लोगों को लाभ मिल सके। इस मौके पर आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर अमृता ने बताया कि आज उन्होंने पंचायत में अपने विभाग की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी और बताया कि किस तरह से मेडिसिन प्लांट लगाकर आय अर्जित की जा सकती है और विभाग उनकी किस तरह से मदद कर सकता है। वहीं तहसील कल्याण अधिकारी सोलन ने कहा कि ये सरकार की अच्छी पहल है कि एक ही छत के नीचे पंचायत में ही सभी विभाग अपनी अपनी योजनाएं ग्राम सभाओं में तैयार करेंगे। इससे सीधा लाभ सही पार्थी को मिलेगा। आज मैं विशेष ग्राम सभा जो कि 19-20 की जो कार्य योजना तैयार की जानी है ग्राम चंद नौणी की, उससे संबंधित आज बैठक में भाग लेने आया हूँ। इसमें 29 विभागों के 29 विभाग अपनी कार्य योजना रखेंगे और उसके अनुरूप 19-20 का जो कार्य योजना का प्लान है वो तैयार किया जाएगा। उन्हीं में से जो योजना स्टार्ट की जानी है उन्हीं में से ली जाएगी और उसकी एक हम बुकलेट भी तैयार करें जो कि आम जनता के समक्ष रखी जाएगी, उसका अवलोकन कर सकते हो। जो ये 29 विभाग है उसमें जैसे कि PWD, IPH, ICDS, आपका हमारा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, वेलफेयर और आपका शिक्षा विभाग, इंडस्ट्री विभाग इत्यादि, इस तरह के 29 विभाग है जो कि इस कार्य योजना में को तैयार करने में अपना सहयोग देंगे। पहले वक्त में जो भी 19-20 का शेल्फ तैयार किया जाएगा वो सारे 29 विभाग एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट की तरह एक पंचायत के अंडर काम करेंगे और जो भी हो इसमें अपनी कार्य स्कीमें देंगे वही इम्प्लीमेंट होगी आने वाले वक्त में।